नमस्कार। आज हम भक्तिकालीन काव्य धारा में जो दर्शन है उससे संबंधित आप तक बातें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें भक्ति काव्य धारा और दर्शन। भक्ति काव्य धारा एक नई वैचारिकता को जन्म देती है। भक्ति आंदोलन में मनुष्य और ईश्वर के संबंधों को पुनर्चर्या की रस को केंद्र माना है। भक्ति काल को दार्शनिक चेतना भी कहते हैं। आचार्यों ने माना है कि भक्ति आंदोलन कुछ और नहीं भागवत धर्म का ही पुनरुत्थान है। शंकराचार्य ने अद्वैत की प्रतिक्रिया में जिन चार संप्रदायों को जन्म हुआ, शंकराचार्य जी कहते हैं कि अद्वैत की प्रतिक्रिया में जिन चार संप्रदायों को जन्म हुआ वो है श्री संप्रदाय, पहला श्री संप्रदाय है, दूसरा रुद्र संप्रदाय, तीसरा ब्रह्म संप्रदाय और चौथा है जिसे हम समुद्र संप्रदाय बोलते हैं। इन्हें भागवत के उप संप्रदायों का नाम दिया है। शंकराचार्य और उनका अद्वैतवाद, आचार्य शंकराचार्य ने यह माना है कि बस एकमात्र सत्य है जीव की सत्ता। जीव की सत्ता को ही उन्होंने सत्य माना है, कोई अलग थलग नहीं है, तथा जगत मिथ्या है। इन्होंने माना है कि जीव को अलग सत्ता माया के कारण दिखाई पड़ती है। यह माया अविद्या अथवा अज्ञान है। जीव का यह मान लेना कि मेरी सत्ता अलग है, यह अज्ञानता ही है। उन्होंने इसे अज्ञानता का परिचायक बोला है। जीव का यह मान लेना मैं ब्रह्म का अंश हूं, यही ज्ञानवाद है। यानी जीव का यह मान लेना कि मेरी सत्ता लगे तो यह अज्ञानता है, और जीव का यह मान लेना कि मैं ब्रह्म का अंश हूं यह सत्य ज्ञानवाद है, या इसे सत्य कहते हैं। तथा ज्ञान के आते ही माया और अज्ञान नष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य ये मान लेता है कि मैं ब्रह्म का अंश हूं तो उसके अंदर मन में जितने विकार हैं, यानी कि माया और अज्ञानता, ये सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। ऐसे में ब्रह्म और जीव के बीच कोई अभेद नहीं रह जाता। यह दर्शन मानता है कि जीव संसार का उपकरण है। ऐसे में माया के कारण जब जीव ही नश्वर तो भला संसार कैसे सत्य हो सकता है। अद्वैतवाद को वेदांत का ज्ञानवाद भी कहा जाता है। भक्तिकालीन निर्गुण संत कबीर ने अद्वैत का प्रभाव सभी स्तरों पर लिया। यही वजह है कि उनकी कविता माया और संसार की सतत चर्चा करती है। कबीरदास जी, उन्होंने भ्रम को सत्य, और जो जीव ये मान लेता है कि मैं ब्रह्म का अंश हूं उसे ही सत्य माना है। माया के कामिनी और कंचन का रूप निरोध करती है और संसार को मिथ्या मानते हैं। माया के कामनी रूप से व्यभिचारी प्रवृत्ति का निषेध किया और सामाजिक संयम बहाल करने की कोशिश करते हैं कबीरदास जी। माया के कंचन रूप से इस संत ने सामाजिक विषमता का विरोध किया ताकि सामाजिक समरसता बहाल हो सके। शंकराचार्य के अद्वैतवाद को कबीरदास जी ने ब्रह्म और जीव के अभेद संबंध के रूप में लिया तथा इसी से विश्व मानवता की ओर बंधुत्व की प्रेरणा ली गई। कबीर की एक बूंद, कबीरदास जी कहते हैं एक बूंद ते विश्व रजो, एक बूंद है सबका अपना, को बामन को सूदा। यानी सभी एक ही ब्रह्म से हैं, कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है। उन्होंने इस पंक्ति में जातिवाद और
धर्म का जो विभेद किया है उसका खंडन किया है कबीरदास जी ने। कबीर की साधना सहज साधना है जिसे प्रभावोत्पादक साधना कहते हैं, जिस पर एक अद्वैतवाद का, नाथपंथियों के हठयोग का, सूफियों के प्रेमवाद का, वैष्णव के अहिंसा आदि, इस्लामी एकेश्वरवाद तो साथ ही सांख्य दर्शन का प्रभाव देखा जाता है। यही सहज साधना बहुश्रुत दर्शन का हिस्सा है। और इसी प्रकार आज हमने अभी तक जिसकी बारे में बातें करी थी वो आचार्य शंकराचार्य, शंकराचार्य जिन्होंने चार भेद बताए थे, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय और सामाजिक संप्रदाय, और इन इन सारे संप्रदायों को भगवत का उप संप्रदाय माना है शंकराचार्य और उनका अद्वैतवाद। आचार्य शंकरवाद शंकराचार्य ने यह माना है कि ब्रह्म सत्य है, जीव की सत्ता कोई अलग नहीं है, तथा सारा संसार को उन्होंने मिथ्या माना है। थैंक यू, थैंक यू।